फ्रेंड्स, मैं हूं सौरभ एंड आप सबको मेरे इस चैनल पे वेलकम। दोस्तों, आज का वीडियो मैं स्पेशली मेरे किसान दोस्तों के लिए बनाया हूं। जैसे आप सबको पता है, खेती के कामों के लिए हमें एक स्प्रे मशीन की ज़रूरत होता है पेस्टिसाइड को पेड़ पौधों के ऊपर स्प्रे करने के लिए। लेकिन दोस्तों, मार्केट में आज के दिनों में सबसे ज़्यादा जो मशीन बिकता है कुछ इस टाइप का मशीन, मतलब इसके नीचे बैटरी रहता है, पंप मोटर भी इसके नीचे है, तो हमें मैनुअली इसको ऑपरेट करना नहीं पड़ता है। सिर्फ कंधे में लेके ही इसको स्प्रे करने से, मतलब चलाने से ये अच्छे से स्प्रे करता है। लेकिन दोस्तों, इसमें फिर भी इसमें कुछ कमियां हैं, क्योंकि दोस्तों मैं किसान फैमिली से बिलोंग करता हूं, मैं इस मशीन को यूज किया हूं, तो कुछ कमियां मैं महसूस किया हूं इसके अंदर जो कमियां हैं, तो इसलिए मैं आज ये वीडियो बना रहा हूं। जो इसमें जो पहला प्रॉब्लम है, इसका हेवी वेट, मतलब लिक्विड भर देने के बाद, मतलब पूरा ये जब बैरल भरा हुआ रहेगा तो करीब करीब 22 से 25 केजी इसका वेट रहेगा। तो जो लोग एजेड पर्सन हैं, जिसके कमर में दर्द है या फिर शोल्डर में दर्द है, उनके लिए इस मशीन को यूज करना काफ़ी मुश्किल बात है। और घर की महिलाएं जो हमारी खेती के कामों के लिए हमें मदद करता है, उनके लिए भी ये मशीन यूज करना बहुत ही मुश्किल बात है। कंधे में लेके यूज करना बहुत ही मुश्किल बात है। दूसरा प्रॉब्लम ये है, इसका बैटरी, मतलब ये बैटरी से चलता है, मतलब आप सभी को पता है बैटरी का कुछ लिमिटेशन है, मतलब ये ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 घंटा बैकअप देगा, उसके बाद इसको चार्जिंग में बिठाना पड़ेगा वरना ये बंद हो जाएगा। और आप सबको पता है 1.5-2 साल अंत बीच बीच हमें इस बैटरी को भी चेंज करना पड़ता है, बैटरी डैमेज हो जाता है। तीसरा बात है इसका हेवी कॉस्ट। तो इन सारी प्रॉब्लम्स को देखते हुए मैं जो आज आपको स्प्रे मशीन बना के दिखाऊंगा वो काफ़ी सस्ता है, और घर की चीज़ों से और कुछ सामान ऑनलाइन से मंगा के आप ये स्प्रे मशीन बना सकते हो। मतलब मैं जो आप नया तरीके का स्प्रे मशीन दिखाऊंगा वो आप बना सकते हो। तो वीडियो काफ़ी अच्छा बना है, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको काफ़ी पसंद आएगा। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप मेरी इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और ग्रीन एनर्जी रिलेटेड और भी वीडियो आप देखने के लिए आप मेरी इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। आज जो मैं आप स्प्रे मशीन मैं आपको बना के दिखाऊंगा वो मैं कम्प्लीटली सोलर पावर से चला के दिखाऊंगा, और एक नया आइडिया आपको दूंगा जो यूट्यूब में आपको पहली बार आप देखेंगे इस वीडियो में आज। तो वीडियो काफ़ी अच्छा बना है, उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको पसंद आएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं स्प्रे मशीन को बनाने के लिए मैं यहाँ पे 15 लीटर का बाल्टी का इस्तेमाल किया हूँ। आप चाहो तो इससे कम और ज़्यादा कैपेसिटी का भी बाल्टी आप यूज कर सकते हो, आप अपने ज़रूरत के हिसाब से इसको एडजस्ट करना। दोस्तों, आप जो मेरे हाथ में ये DC पंप मोटर देख रहे हैं, ये 12 वोल्ट में ऑपरेट होता है, इसको मैं ऑनलाइन ख़रीदा हूँ। और दोस्तों, ये जो आप जुबली क्लिप्स और कुछ स्क्रू देख रहे हैं, ये इस मोटर को टाइट करने के लिए मैं लिया हूँ। साथ में दोस्तों, ये जो आप ट्यूब देख रहे हैं ट्यूब है, और मैं 30 फीट का लिया हूँ इसका लंबाई। आप इसका लंबाई कम ज़्यादा कर सकते हैं, आपके ज़मीन के लेंथ के अकॉर्डिंग आप इसको एडजस्ट कर सकते हो। दोस्तों, इस तरह की जो मोटर जो आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, ये एक्चुअली मैं ऑनलाइन ख़रीदा हूँ 500 रुपया में, लेकिन आप इसको ऑफलाइन भी ख़रीद सकते हो, जहाँ पे स्प्रे मशीन का स्पेयर पार्ट्स बिकता है, मतलब स्प्रे मशीन जहाँ पे बिकता है आप इजीली वहाँ पे ये सारे पंप मोटर आपको मिल जाएगा, आप वहाँ से भी ख़रीद सकते हो। दोस्तों, ये जो जुबली क्लिप देख रहे हैं, इसको लगाना एकदम इम्पोर्टेंट है, वरना कहीं पे भी लीकेज हो जाता है तो ये आपका स्प्रे मशीन सही से काम नहीं कर पाएगा। तो जुबली क्लिप एकदम मस्ट है, आपको इसको ख़रीदना पड़ेगा। ये सारे क्लिप आपको वही स्प्रे मशीन के दुकान में ही मिल जाएगा, अपना जो लोकल दुकान है वहाँ पे आपको मिल जाएगा। साथ में ये जो आप नोजल देख रहे हैं, ये भी मैं दुकान से ही ख़रीदा हूँ, ऑफलाइन दुकान से ख़रीदा हूँ, ये 50 रुपये में आपको मिल जाएगा। और दोस्तों, इसको चलाने के लिए मैं 50 वाट का लूम सोलर का पैनल लिया हूँ, जो आपको ऑनलाइन 3000 रुपये में ईजिली मिल जाएगा। दोस्तों, ये 50 वाट का पैनल है, इसके साथ आपको 25 साल का वारंटी मिलता है, तो आप ये जो स्प्रे मशीन इसको बैटरी से भी चला सकते हो और सोलर पैनल से भी चला सकते हो। तो मैं यहाँ पे आज आपको डायरेक्टली सोलर पैनल पे चला के दिखाऊंगा। तो चलिए एक एक करके हम लोग इसको सही तरह से इंस्टॉल कर लेते हैं। तो पहले आप लोग देख सकते हो, बल्टी के ढक्कन के ऊपर हम लोग ये स्प्रे मशीन को स्क्रू की मदद से टाइट कर लेंगे। तो पहले मैं एक सुई की मदद से इसको अच्छे से मार्क कर लूँगा, और फिर दोनों साइड में दो हम लोग होल कर लेंगे। दोस्तों, मैं पहले से ही होल करके लेके आया था, सिर्फ आपको समझाने के लिए फिर भी ये बोल रहा हूँ। तो आप इस तरह से मार्क करके दोनों होल करके फिर स्क्रू की मदद से इस ढक्कन के ऊपर ये पंप मोटर को अच्छे से टाइट कर लेना पड़ेगा।
तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, मैं जो सक्शन वाला पाइप है, मतलब जिस पॉइंट से पानी इनलेट होगा पंप मोटर में, वो वाला पॉइंट में लगा रहा हूँ। मतलब एक छोटा पाइप जो हमारे बाल्टी के बीच अंदर रहेगा, उसको मैं कनेक्ट कर रहा हूँ पंप के साथ। तो यहाँ पे आप इस बात का ध्यान दीजिए, मैं यहाँ पे जुबली क्लिप का इस्तेमाल किया हूँ, मैं पहले भी बता चुका हूँ, अब भी आपको बता रहा हूँ, तो आप भी इस्तेमाल कीजिए, वरना कहीं पे भी लीकेज हो जाता है तो स्प्रे अच्छे से, ये स्प्रे मशीन काम नहीं करेगा। तो मैं इसको टाइट कर लेता हूँ इस तरह। मैं जो आउटलेट पोर्ट है, आउटलेट पोर्ट में भी ये जो लंबाई, मैं 30 फीट का लंबा पाइप लिया था, उसका एक हिस्सा मैं मतलब पंप के दूसरे हिस्से में मैं कनेक्ट कर लूँगा। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ दिखाऊंगा, जो पंप मोटर के ऊपर आप जो एरो देख रहे हैं, मतलब जिस तरफ एरो देख रहे हैं उस तरफ मतलब आपका डिस्चार्ज वाला पाइप ऐड होगा, और उसके दूसरी तरफ मतलब सक्शन होगा। तो आप भी इसका ध्यान रखिए, इस एरो को देख के आपको समझना है, मतलब जिस तरफ एरो रहेगा उस तरफ डिस्चार्ज होगा, और जिस तरफ एरो नहीं है उस तरफ सक्शन होगा, मतलब वो पाइप हमारे बाल्टी के अंदर जाएगा। तो आप भी इस बात का ध्यान दीजिए और इस तरह से इंस्टॉल कीजिए। दोस्तों अब मैं जो 30 फीट का पाइप लिया था, उसके दूसरे हिस्से में इस नोजल को मैं जुबली क्लिप की मदद से अच्छे से टाइट कर लूँगा। दोस्तों अब मेरा स्प्रे मशीन कम्प्लीटली तैयार हो चुका है। अब मैं फ्रेश पानी को इसके अंदर डालूंगा और हम लोग देखेंगे ये कैसे काम करता है। अब दोस्तों इसके साथ हम लोग सोलर पैनल को कनेक्ट करेंगे। दोस्तों यहाँ पे मैं पहले से ही जो सोलर पैनल के साथ, मैं ग्रीन वाला जो वायर मैं पॉजिटिव के साथ कनेक्ट कर चुका हूँ और ब्लैक वाला नेगेटिव के साथ कनेक्ट कर लिया हूँ। दोस्तों यहाँ पे आप 50 वाट से लेकर 75 वाट तक की पैनल को कनेक्ट कर सकते हो इस मोटर के साथ। दोस्तों यहाँ पे मैं इस स्प्रे मशीन को चलाने के लिए सोलर पावर का इस्तेमाल किया हूँ, इसलिए क्योंकि दोस्तों मैं सुबह 8 बजे से लेकर दिन के 3:30 बजे तक मैं आराम से इसको सोलर पावर से चला सकूंगा, इसलिए मैं सोलर पैनल का इस्तेमाल किया हूं। जैसे आप सबको पता है सोलर पैनल के साथ 25 साल का वारंटी मिलता है, लेकिन अगर मैं बैटरी को यूज करूंगा यहां पे, तो बैटरी ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 घंटा बैकअप देगा, उसके बाद फिर चार्जिंग में लगाना पड़ेगा। और दोस्तों आप सभी को पता है 1.5-2 साल बाद बैटरी को आपको चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि उसका लाइफ ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल है, उसके बाद आपको बैटरी को चेंज करना पड़ेगा, इसलिए मैं यहाँ पे सोलर पावर को इस्तेमाल किया हूँ। और दोस्तों जब मैं स्प्रे का काम हो जाएगा तो मैं ये सोलर पैनल को दूसरे कामों में भी इस्तेमाल में ले सकता हूँ। तो फिलहाल मैं पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव को और नेगेटिव के साथ नेगेटिव को कनेक्ट कर दूँगा। दोस्तों आप देख सकते हो ये स्प्रे मशीन कितना अच्छे तरीके से वर्क कर रहा है। दोस्तों इस स्प्रे मशीन का सबसे बड़ा फायदा है, इसको कंधे में लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ पे 30 फीट लंबा पाइप का इस्तेमाल किया हूँ मेरे ज़मीन के अकॉर्डिंग, आप अपने ज़मीन के हिसाब से इसका लेंथ कम ज़्यादा कर सकते हो। जैसे कि आप देख सकते हो ये 50 वाट सोलर पैनल से ही कितना अच्छा काम कर रहा है। यहाँ पे दोस्तों मैं सोलर पैनल का ही इस्तेमाल किया हूँ, आप चाहो तो बैटरी का भी इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन बैटरी में बहुत दिक्कत है, उसको फिर से चार्जिंग में बिठाना पड़ेगा और 1-1.5 साल बाद उसको चेंज भी करना पड़ेगा, लेकिन सोलर पैनल में कोई दिक्कत नहीं है। मैं इस काम के बाद दूसरे कामों में भी उस पैनल को इस्तेमाल में ले सकता हूँ। तो कोशिश कीजिए आप भी सोलर पैनल का इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि दोस्तों एक सोलर पैनल पे आपको 25 साल का वारंटी मिलता है। और ये जो स्प्रे मशीन है, इसमें आप रेगुलेटर लगा के मतलब इसका जो स्पीड है वो कम ज़्यादा कर सकते हो। दोस्तों यहाँ पे मैं सारे प्रोडक्ट का बाइंग लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, आप चाहो तो परचेस कर सकते हो।
तो यहाँ पे दोस्तों मैं एक बार फिर से आपको सब कुछ दिखा देता हूँ ताकि आपके मन में कोई डाउट ना लगे ये कोई फेक वीडियो है। यहाँ पे जो सोलर पैनल के पीछे से जो दो वायर आया है वो डायरेक्टली मोटर से कनेक्ट हुआ है। मैं एक बार आपको पैनल के पीछे भी दिखा देता हूँ, आप देख सकते हो इसमें कोई बैटरी फैटरी वगैरह कुछ भी छुपा नहीं है, ये डायरेक्टली सोलर पैनल से चल रहा है, सब कुछ आपके आंखों के सामने ही है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके मुझे मोटिवेट कर सकते हो, और ग्रीन एनर्जी रिलेटेड और भी वीडियोस को देखने के लिए आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आपका दिन शुभ रहे। वीडियो आखिर तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।